गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू अनुरोध आईएएस। दूसरा चैप्टर ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, क्लास नाइन्थ। देखो, हमने जो कल इसमें बात की हुई थी, इसमें दो पार्ट की बात की हुई थी। एक क्या बात की हुई थी, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में बात की हुई थी, और दूसरा हमने उत्तरी मैदान के बारे में बात। तो उत्तरी मैदान हमने क्या क्या देखा हुआ था कि शिवालिक के जैसे नीचे आते हैं, या हिमालय के गिरिपात की बात करें या फुट हिल्स की बात करें, मतलब फुट हिल्स, ठीक है। तो वहाँ पे नदियाँ क्या है, विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, विलुप्त हो जा रही थी, जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ था, कुछ नाम याद आ रहा है? मैदानों की बात करते हैं हम, तो जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जा रही हैं, जहाँ पे अंदर चली जा रही, छुप जा रही हैं, उसको हम लोग नाम क्या दे रहे थे, पृथ्वी के अंदर तमाम सारी वजरी में चली जा रही थी, उसको हम लोग कौन सा प्रदेश बोल रहे थे? ठीक है, सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। और आगे आप देखेंगे कि सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। अंडरलाइन नहीं किया था क्या कल, इसको तराई बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी क्वेश्चन है ये, ओके। ये हमने कल बात की हुई थी, ठीक है, ये हमने कल बात की हुई थी, ठीक है। ये क्या बोलते, क्या बोलते हैं, तराई। तो जहां पे नदियां विलुप्त हो जा रही हैं, छुप जा रही हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, भावर बोल रहे हैं, ठीक है। और जहां पे इधर कहीं है क्या, इधर कहीं है, इंग्लिश में ये देखो, ठीक है, ये नहीं नहीं ये भांगर, ये का भांगर है, देखो इधर इधर कहीं पे होगा ये, ठीक है। देखो कुछ यहां से पढ़ो, इंग्लिश वाले देख लो एक बार। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट ये ध्यान रखना, डिपॉजिट्स पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विच लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। तो जो शिवालिक के पैरेलल जो है तमाम सारा अवसाद जो जमा किया जा रहा है, इट इज नोन एज क्या है, इट इज नोन एज भावर, एंड ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन द भावर बेल्ट, ठीक है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई। तो जहां पे आप देख रहे हैं ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन दिस भावर बेल्ट, तो भावर बेल्ट में जो सरिताएं होती हैं वो क्या है, डिसअपीयर अर्थात जो है विलुप्त हो जाती हैं। डिसअपीयर मतलब क्या है, विलुप्त हो जाती हैं। और दूसरा, दोबारा से आप देखेंगे, दोबारा से री इमर्ज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, जहां पे दोबारा से वही नदियां सरिताएं निकल आती है, उसको लोग क्या बोल रहे थे, तराई बोल रहे थे, ठीक है। बस समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, री इमर्ज तराई उसको बोल रहे हैं, ओके। एनसीईआरटी नहीं मिली इंग्लिश में, पुरानी है, यही है क्या, ले लो इंग्लिश में ले लो, क्योंकि पैसे अंडरलाइन करवाऊंगा फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये हमने कल बात की हुई थी, ठीक है, ये हमने कल बात की हुई थी। और एक हमने और बात की हुई थी यहाँ पे, देखिए एक और बात क्या की हुई थी, कि उत्तरी भारत का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, और वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपरी भाग में स्थित हैं, तथा वेदिका जैसी आकृति ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या बनाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं, ठीक है। या कई बार किताबों में बांगर भी लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं करना, कई बार क्या है इसको बांगर भी बोला जाता है, ओके।
जहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं, जहां पे डिसअपियर हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भावर। और जहां पे दोबारा रीएमर्ज हो जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तराई। और जो बाढ़ के मैदान है, जो निक्षेप किए, जो वेदिकाएं बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे नदी आ रही है, जैसे यहां पे देखिए, मैप अगर मुझे मिले, देखो ध्यान रखना कैसे, ये जो नदी जा रही है, ठीक है, इसके बगल वाला जो हिस्सा, ये क्या है? खादर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर। और खादर क्या है? नई जलोढ़ है, नई जलोढ़ है, ठीक है। तो ये काफी उपजाऊ होता है, आप जानते हैं नई जलोढ़ कैसी होती है, काफी उपजाऊ होती है। और जो ये तमाम सारी वेदिकाएं, अर्थात नदी से दूर वेदिकाएं, ये आप देख रहे हैं वेदिकाएं, ऊंचा हिस्सा रहेगा ये अमूमन किससे? खादर से। तो ये कैसी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भांगर या भांगर, भांगर या भांगर इसको बोलते हैं। और ये क्या है? ये पुरानी जलोढ़ है, ठीक है, ये क्या है? पुरानी जलोढ़, ये पुरानी जलोढ़। तो ये उपजाऊ कौन सा ज्यादा होगी? खादर। क्यों? क्यों? क्योंकि नई मिट्टी है और इसी से हिलोरे मारती हुई, हिलोरे मारती हुई क्या है? जैसे बाढ़ आती है तो क्या है? ये जो जो खादर है ना, इधर आ जाती है, इधर आ जाती है, तो क्या है? ये पुरानी मिट्टी हो जाती है जो कि उपजाऊ कम होती है, और यहाँ पे नई मिट्टी जमा होती जाती है। तो इसको ओबीसी बात है, यहाँ पे कितनी मिट्टी जमा हो पाएगी? तो फिर क्या ओबीसी बात है, ये नदी के और तमाम सारे किनारे पर इकट्ठा होती जाएगी दूर इलाके में, ठीक है। तो ये कौन सी मिट्टी? ये बागर है, जो कि पुरानी जलोढ़ है, ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। लेकिन जो खादर है, ये नई जलोढ़ है, ये अपेक्षाकृत ज्यादा उपजाऊ होती है, मतलब काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। तो ये काफी ज्यादा उपजाऊ, बात समझ आ गई कैसे बन रही खादर और बांगर? आप कोई पूछे के बता दोगे भाई कि खादर कहां बनती है और बांगर कहां? तो खादर और बांगर कैसी है? तो खादर कैसी? नई जलोढ़ है, न्यू एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल है ना, बिल्कुल। हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलुवियल सॉइल। और जो आप बांगर देख रहे हैं वो कैसी है? पुरानी है, ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ठीक है, ये कम उपजाऊ होती है। बाकी खादर जो है ये ज्यादा उपजाऊ होती है। ये सब कहाँ पे चीजें हो रही है? ये सारे के सारे मैदानी, उत्तरी जो मैदान हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पे हो रही है, ठीक है, बस में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे हम लोग टॉपिक एक और करते हैं, जिसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। काफी अच्छा मुद्दा है। देखिए ये कुछ प्रायद्वीपीय पठार ऐसा बना हुआ है, जो सामान्य ऊंचाई होती ना जैसे पर्वतों की, उसे थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पठार। अर्थात आप देखेंगे पहाड़ों से जितना भी ऊंचा हो सकता है, लेकिन हमने एक एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था पठार और पर्वत में अंतर करने का, क्या? जो उसका पीक है, जो इसका शिखर है, वो कैसा? नुकीला नहीं होगा। किसका? पठार का। पहाड़ का जो पीक होता है, शिखर जो होता है, वो कैसा? नुकीला होता है, ठीक है, एकदम कैसा? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सिलेंडर कैसे बनता? ऐसे 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 होते ना शिखर। जो जो पर्वत होते हैं उनका शिखर कैसा होता है? नुकीला होता है, ठीक है। और जो पठार होते हैं वो क्या होता है? ये उनका जो 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 आधार है वो तो ठीक है, ऊंचाई भी लगभग उतनी है, लेकिन ये ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, ये कैसे हैं? सपाट होते हैं, अमूमन सपाट होते हैं, नुकीले नहीं होते। इनको क्या नाम दिया गया? इनको पठार नाम दिया गया, प्लेट्यू, ठीक है, प्लेट्यू नाम दिया गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये, तो इसमें एनसीईआरटी ने गड़बड़ किया हुआ थोड़ा सा। अ वाटरफॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, एक वाटरफॉल जो है छोटा नागपुर के पठार से, एक क्या है वाटरफॉल, यहाँ पे झरना गिर रहा है, ठीक है, झरना। चलो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, कैसा? मेज, अर्थात सपाट है, और जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ, किससे बना हुआ है? आग्नेय शैलों से और रूपांतरित शैलों। ये मैं पिछली क्लास में भी बोल चुका हूं आपको, ठीक है,
आग्नेय शैलों से बना हुआ और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, ठीक है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? गोंडवाना भूमि से टूटने की वजह से, ठीक है। भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। ये सब मैं पढ़ा दूंगा, परेशान नहीं होना कि किसका कौन सा हिस्सा है। जब हम प्लेट की बात करेंगे, प्लेट विवर्तन की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे भी बता देंगे। और इसके पहले कैसे जो भारत का निर्माण हुआ है, ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत का कैसे निर्माण हुआ है, ये सारी जो, तब जब हम बात करेंगे पूरी तरह से, पहले तो आप देखेंगे एक पूरी तरह से पैंजिया टाइप का होता था। पैंजिया मतलब क्या? पूरा विश्व जो है एक साथ चिपका हुआ था, ठीक है, पृथ्वी। लेकिन कई लाख साल पहले जो है ये क्या टूटना स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दो ही चीज हुआ करती थी पहले, मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ पृथ्वी, ये इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये तमाम सारे जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, जो महाद्वीप देख रहे हैं, उनका कैसे पर पहले एक ही था, एक गोला एक टाइप टाइप का था, इकट्ठे थे सारी जितने भी आप प्राइप देख सकते हैं, इकट्ठे थे। उनको क्या बोला गया? पैंजिया बोला गया। नाम क्या दिया गया? पैंजिया। इकट्ठे थे एकदम से, और इसके आसपास जानते हो पूरा का पूरा क्या समुद्र था, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था? पैंथलासा, ठीक है। तो ये आसपास समुद्र था, लेकिन कई साल, कई लाख साल पहले जो है इसमें क्या है, तमाम सारे जो है शक्तियां, जो पावर है या फोर्सेस हैं, वो काम किए, तो क्या है ये पूरा का पूरा पैंजिया क्या है, टूट गया, ठीक है, टूट गया। और वहीं से क्या तमाम सारी प्लेटें हैं जो जिसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पैंथलासा या सॉरी ये गोंडवाना लैंड या अफ्रीकन प्लेट, तमाम सारी जो है उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसी से क्या टूटा हुआ हिस्सा ये भारत निकला हुआ है, उसी से, किससे? गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना हुआ है, और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। और इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां, कैसी कैसी पहाड़ियां यहाँ पे गोलाकार है, एकदम से ध्यान रखना, गोल आकार की पहाड़ियां, ठीक है, गोल आकार की पहाड़ियां। और इस पठार के दो मुख्य भाग भी हैं, एक तो क्या है मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, ठीक है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। अब देखो भाई, दक्कन का पठार आपको यहां पर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये पेनिनसुला है, बन रहा है ऐसे, हमने कई बार बना के बताया भी था, उल्टा ट्रायंगल बनता कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये मध्य उच्च भूमि यहां पर रहेगी, ये क्या है ऊंची भूमि यहां पर दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो इसके दो भाग हैं, एक तो क्या है मध्य उच्च भूमि है यहां पर, और दूसरा क्या था ये दक्कन का पठार, ठीक है, तो ये दक्कन का पठार कुछ ऐसे। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात जब हम करते हैं, ठीक है, जब हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें दो डिवीजन किए जाते हैं। एक क्या किया जाता है, एक तो दक्कन का पठार बोल दिया जाता है, जो कि ऐसे ये बीच में चौड़ा है, और जैसे हम दक्षिण में आएंगे कैसा क्या सकरा होता जाता है, नैरो होता जाता है, और बीच में क्या है ये उच्च भूमि है, ठीक है। तो दो डिवीजन जो है हमारे प्रायद्वीपीय पठार के किए जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको मैप से बताए हुए, ठीक है, दो डिवीजन जो है यहाँ पे किए जा रहे हैं। कौन कौन से किए जा रहे हैं इस पठार के, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार के दो डिवीजन कौन कौन से किए जा रहे हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि है और दूसरा दक्कन का पठार, ठीक है। अब देखो, नर्मदा के नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि नाम दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं, ये एरिया जो रहेगा मालवा का रहेगा, जैसे हमने बताया था ये कैसा है, ये मालवा का एरिया है। तो जब भी हम प्रायद्वीपीय पठार की बात, ये क्या मालवा एरिया है, ये कैसा है ऊंचा है, मालवा का जो पठार है आप देखें कैसा है ऊंचा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं उच्च भूमि, ठीक है। इसको अमूमन हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना है, ये जो मालवा का पठार है ये किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। तो मालवा का पठार को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जो मध्य उच्च भूमि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालवा बोलते हैं, ठीक है। जो मध्य उच्च भूमि है प्रायद्वीप पठार की, देखो प्रायद्वीप पठार में क्या किया, दो डिवीजन किए, देखो ऐसे समझो यार, समझ में नहीं आ रहा क्या,
सर अगर मैप देखो अच्छा बन जाना चाहिए, ट्राई कर रहा हूँ। मैप अच्छा बन जाना चाहिए, वैसे बन गया। ठीक है, ठीक ठाक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा भारत महान है, अब देखो इसकी थोड़ी गर्दन ज़्यादा चौड़ी है यहाँ पे, ऐसे देखो। ठीक है, काम चलाओ है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई ड्राइंग में आर्टिस्ट नहीं हूँ। देखो ये जो एरिया है, इधर आप देखें, ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। और अगर हम पूरा गिन लेते हैं ऐसे करके, ये वाला जो एरिया है यहां तक की, ध्यान रखना प्रायद्वीपी पठार का जो हिस्सा है ये आप देखेंगे, ये क्या है, मेघालय। ये मेघालय, तो मेघालय की बात जब भी हम करते हैं तो मेघालय का पठार जो है ना, वो भी किसका किसका हिस्सा है, वो भी जो है प्रायद्वीपी प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा ही है। ठीक है, तो देखो चाहे हम बात करें यहाँ पे मेघालय की पठार की, या छत्तीसगढ़ के पठार की, ठीक है, या मालवा के पठार की, ठीक है, मालवा के पठार की, या हम दक्कन के पठार की बात करें, ठीक है, वो सारा का सारा हिस्सा किसका है, पूरा का पूरा प्रायद्वीपी पठार का है। ठीक है, या झारखंड में, या फिर हम बात करें यहाँ पे ये जो एरिया किसका है, मान लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से, या हम बात करें यहाँ पे क्या, ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, ये सब किसका हिस्सा है, सारा का सारा हिस्सा किसका है, प्रायद्वीपी पठार का। तो सोचो प्रायद्वीपी पठार क्या है, एक प्लेट से जुड़ा हुआ है पूरा तरह से, कहाँ तक तो जुड़ा हुआ है, मेघालय के पठार से लेके मालव का पठार। तो हम लोग जब मालव का पठार की बात करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं पूरा मालवा। तो मालवा तो एमपी में है, हालांकि इसके ऊपर भी जाएंगे वो भी मिलता है जाके, पंजाब तक का थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे एरिया आएंगे वहां तक के, ठीक है, खासकर हम लोग मालवा जो है एमपी के ऊपर राजस्थान का जो बॉर्डर वहां पे गिनते हैं उसको, ठीक है, उसको हम लोग गिनते हैं। तो बात समझ आ गई कैसे कैसे हो रहा है, तो मालवा का पठार, ठीक है, और इसके बाद में इधर छत्तीसगढ़ का पठार ये आप देख पा रहे हैं, और इसके बाद में ये सॉरी इधर ये छत्तीसगढ़ का पठार यहाँ पे इस तरह से, ये छत्तीसगढ़ का पठार, और ये जो है किसका, छोटा नागपुर पठार अर्थात झारखंड। क्या हुआ इधर देखो, ये सब किसका हिस्सा है, सारा का हिस्सा जो है प्रायद्वीपी पठार का है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया अभी सलमान, समझ में आ गया कैसे कैसे, मालवा के पठार से लेके हम लोग किधर जाते हैं, इधर ये मेघालय का पठार, ठीक है, इधर छत्तीसगढ़ का, और इधर ये छोटा नागपुर पठार, ठीक है। लेकिन मुख्यतः आप देखें जो दो डिवीजन किए गए हैं प्रायद्वीपी पठार में, वो कौन कौन से हैं दो डिवीजन, सबसे पहले मध्य उच्च भूमि, और दूसरा जो है वो क्या, दक्कन का पठार। ये दक्कन का पठार है, और ये जो एरिया है मधुच्छ, अभी समझ में आ गया, हाँ तो पूछो एकदम से, कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो मध्य उच्च भूमि है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया।
चलो भाई आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपी पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। तो एक बार ये भी देख लो भाई कि जो नदी जा रही है वो कौन सी नदी जा रही है यहां से, नर्मदा नदी। ठीक है, ये देख रहा आप देख पा रहे ना मालवा, ठीक है मालवा का पठार इधर, ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, ये छोटा नागपुर का पठार है, इधर छत्तीसगढ़ का पठार मिलेगा आपको, ठीक है और इधर ये क्या था, मेघालय का पठार। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। ठीक है तो अब देखो कहा जा रहा कि जो ये रेंज है कि नर्मदा नदी के उत्तर में ये क्या है, मालवा का पठार संभवतः कैसा है, उच्च भूमि को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा है उच्च भूमि है यहाँ पे। ठीक है ये उच्च भूमि है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं उच्च भूमि। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। ठीक है तो विंध्य जो श्रृंखला है वो किससे, दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी से और उत्तर पश्चिम में वो किससे घिरा हुआ है, अरावली पर्वत से। कौन सी पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी। ठीक है जैसे विंध्य पहाड़ी की बात करें तो विंध्य पहाड़ी हमारे पास में कहां पे, एक एक करके पढ़ते जाना। ठीक है तो जैसे देखिए ये क्या है विंध्य, ठीक है इसके दक्षिण में क्या है सतपुड़ा है, ठीक है और इसके ये क्या है नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में ये क्या है अरावली रेंज से घिरा हुआ है। तो आप अपने पास में किताब है तो उसमें एक बार इसको ऐसे लिख लो भाई ऐसे करके तभी समझ में आएगा ऐसे क्या मतलब है। मैप में लिखते जाओ क्या क्या चीजें, नहीं तो अंडरलाइन करो कैसे कैसे, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी और पता जब तक आप मैप देखोगे नहीं ना दोबारा से तो भूल जाओगे, लगेगा था उत्तर पश्चिम में, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो आप, दूसरी बार पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा तो क्या चीजें क्या हो गई खराब हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें तो विंध्य के उत्तर पश्चिम में अरावली और दक्षिण में क्या है सतपुड़ा जो है वो रेंज जो है आपको देखने को मिल रही है। ठीक है सतपुड़ा रेंज वो आपको देखने को मिल रही है। आगे देखिए यहाँ पे पश्चिम में यह धीरे धीरे क्या है राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है, कौन प्रायद्वीप के पठार जिसमें मालवा की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है तो क्या करेगा जैसे हम पश्चिम में जाएंगे तो क्या है ये पूरी तरह से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला जो एरिया, तो जैसे ये मालवा का ये मालवा एरिया है ये, तो क्या है ये मिला हुआ इससे किससे मरुस्थल से, ये किसके मिला हुआ ये मरुस्थल से मिला हुआ ये, हाँ डेजर्ट से, ठीक है डेजर्ट से मिला हुआ मिल जाता है पूरी तरह से मालवा का जो पठार। ठीक है बात समझ आ गई, चलो तो ये इससे मिल जाता है हाँ राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से क्या है ये मिल जाता है, और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल सिंध बेतवा केन ये दक्षिण पश्चिम अर्थात कुछ ऐसे, ये कहां पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसे कहां से उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है। तो ये कैसा है एरिया ऊंचा है उच्च भूमि है, तो नदियां देखें कैसे बहती हैं, नदियां जब भी बहेंगी तो मालवा के पठार से कैसा नॉर्थ ईस्ट की साइड में बहेंगी, कौन कौन सी नदियां जैसे चंबल सिंध बेतवा और केन ये सब कैसा, क्योंकि उच्च भूमि है। अब देखिए कैसे अगर हम यहां पे देखना चाहें तो ये उच्च भूमि है, ये कैसी है उच्च भूमि है, तो नदियां जान रहे हो किधर से, नदियां जो है ये इधर से ऐसे चलेंगी कहां से साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट के साथ, ठीक है तो ऐसे बहती नदियां
ऐसे, तो ये सारी नदियां कहां से? मालवा के पठार से ऐसे इधर बह रही है, इधर केन, बेतवा, ठीक है, ये द सिंध, ठीक है, ये सिंध, ये चंबल, ये केन, बेतवा, ठीक है, ये सारी नदियां कैसी बह रही हैं? ये सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट साइड में बह रही हैं। क्यों? क्योंकि ये इराका ढाल इसकी कैसी है, ऊंचा है, तो ऐसा है, ऐसा एकदम, ठीक है। तो सारी नदियां किधर बह रही है? नॉर्थ ईस्ट साइड में। किधर से? दिशा कैसी है? ये साउथ वेस्ट से नदियां किधर बह रही है? नॉर्थ ईस्ट साइड में। अर्थात तो ये जो तो नदियां है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनका बहाव आपको देखने को मिलेगा। कहां से? मालवा के पठार से, ठीक है। तो ढाल कैसा रहेगा? ढाल इनका नॉर्थ ईस्ट साइड में, अर्थात पूर्व उत्तर पूर्व में है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो पूछते जाना भाई, सलमान समझ रहे हो ना? चलो और इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। जैसे मैंने बताया ढाल कैसी है, ऐसी कि भाई ये कहां पे ढाल किस साइड में? नॉर्थ ईस्ट साइड में ढाल है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में कैसी है? संकीर्ण है, नैरो है, ठीक है, नैरो है। और इस पठार के पूर्वी विस्तार को क्या बोला जा रहा है? स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किस एरिया को, देखो तो ये जो एरिया है पूर्वी हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड, ठीक है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये जो एरिया जो है कहां पे, पूरब वाला एरिया, ईस्ट वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड बोलते हैं, या बघेलखंड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बघेल, बघेलखंड। देखो देखो बघेलखंड के जस्ट नीचे वहीं पे आप देखोगे, सॉरी बुंदेलखंड के जस्ट नीचे, बुंदेलखंड में क्या क्या, जैसे महोबा वाला इलाका है, ठीक है, महोबा, जैसे हम बात करते हैं झांसी वाला इलाका है, ठीक है, तो झांसी के नीचे पूरा एरिया बुंदेलखंड, और उसी से लगा हुआ आप देखेंगे क्या, बघेलखंड, ठीक है। तो ये जो पूर्वी वाला इलाका है, जो आप पूर्वी वाला इलाका देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करें तो जो पूर्वी वाला इलाका है, जैसे इधर आप बात कर रहे थे ये एरिया, तो ये जो एरिया है इधर से जैसे हम आएंगे यहाँ पे एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया क्या रहता है? ये बुंदेलखंड, या इसके नीचे वाला जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? बघेलखंड, ठीक है। जैसे पूरब में चलेंगे तो ये क्या है, अलग अलग नामों से जाना जाने लगता है, ठीक है, जाना जाने लगता है। ओके चलो आगे फटाफट देख लेते हैं। आज इसको कंप्लीट करने के बाद ही चलते हैं, मतलब ये कल करेंगे हम लोग मरुस्थल और वो चीजें, बघेलखंड। और इसके और पूर्व के विस्तार को हम लोग क्या बोलते हैं? दामोदर नदी द्वारा अपवाई छोटा नागपुर पठार। कहां पे है छोटा नागपुर पठार? अभी हमने बताया था झारखंड में, ठीक है। दक्षिण का पठार एक कैसा है? त्रिभुजा आकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। तो आधार कैसा है इसका? उल्टा बन रहा है ना, तो इसका जो बेस है, ये जो बेस है इसको हम क्या बोलते हैं? ये बेस है इसका, ये आधार है, अर्थात ये बेस है। तो आप देखते हैं नर्मदा नदी के जैसे शुरुआत होती है तो वहां पे इसका बेस कैसा है? चौड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस ऐसा बनता है ना, ये बेस चौड़ा है। जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व जो है, ये पूर्वी विस्तार है, ठीक है, पूर्वी विस्तार है। तो क्या क्या चीजें देख लो एक बार, महादेव कैमूर और मैकाल की पहाड़ियां, ये सब कहाँ पे मिलेंगी? इसके पूरब में मिलेंगे आपको, ठीक है, कुछ ऐसे। देखिए ये सब चीजें हैं, ये जो एरिया है, सॉरी, ये महादेव पहाड़ी है, ठीक है। इधर आप आएंगे जैसे ये, तो कैमूर की पहाड़ी कहां से? ये बिहार वाला इलाका है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है कैमूर। तो कैमूर की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, और ये कौन सी है पहाड़ी, एक और कौन सी पहाड़ी, ठीक है, मैकाल,
ये महादेव, मैकाल रेन और ये कैमूर की पहाड़ी, तो ये कहाँ है? सब इसके पूरम में है, ये सब इसके पूर्व में आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे देख लो भाई। तो आधार कैसा है इसका, आपने देख लिया हुआ है, कोई दिक्कत? इसको अंडरलाइन करते हो थोड़ा थोड़ा, कैसे कैसे चीजें हैं, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाली है अभी। ठीक है, चलो इसके आधार चौड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों व श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें, हमने ज्ञात कर ली हुई है। ठीक है, हमने ज्ञात कर ली हुई है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, पश्चिम में ऊंचा है, जैसे इसकी आधार की बात करें, बेस की, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये पश्चिम में ये ऊंचा है और पूर्व की ओर क्या है, कम ढाल वाला है, अर्थात ढाल कैसी है, ये पूरब की तरफ ढाल ऐसे मिलेगी। ठीक है, और इस पठार का एक भाग क्या है, ये उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे हम लोग क्या स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग का पठार तथा उत्तर का कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या, कचारी पहाड़ी, तो हमने बता दिया था शुरुआत में, बता दिया था, क्या बताया हुआ था, ये मेघालय के पठार तक की विस्तार है इसका। हाँ ठीक है, और उसको नाम क्या दिया गया है, कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तर कछारी पठारी पहाड़ी। ठीक है, इसको नाम दिया गया, तो एक बार देख लो भाई, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। ये ठीक है, इधर वाला नहीं समझ पा रहा है, ये मेघालय का पठार, ये तो हम लोग बोल रहे थे, इसको लोग क्या बोल रहे हैं, मेघालय का पठार क्या है, कार्बी एंगलोंग का पठार। ठीक है, तो इसका नहीं कंफ्यूज कर रहे हो क्या, कंफ्यूज कर रहे हो क्या, नहीं तो मैप से देख लो भाई, मैप से देखो, देखो मैप से देखो, तो इसका जो विस्तार है हमने कहाँ देखा था, मालवा से लेके मेघालय तक। ठीक है, तो इस क्या क्या देखा हमने यहाँ पे, एक बार मैं अभी रिमाइंड करवा देता हूँ फटाफट, इसको पूरब में, क्योंकि ढाल यहाँ पे क्या है, उठा हुआ है, और ढाल कहाँ तक है, ईस्ट तक है इसका। ठीक है, इसमें क्या है, महादेव, मैकाल और ये कैमूर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक, ये आगे और चले जाएंगे तो छोटा नागपुर भी इसी में आ जाता है, फिर इसके बाद में और भी आएंगे तो बीच में क्या पड़ता है, तो बीच में आप देखेंगे ये उत्तरी कछारी भूमि है, कचारी, इससे क्या है, ये कचारी भूमि कहाँ पड़ेगी, ये आपका कौन सा एरिया है, पश्चिम बंगाल, तो ये कचारी भूमि कहाँ पे, बीच में पड़ेगी, और यही कचारी भूमि क्या करती है, इसको जोड़ देती है, किसको, मेघालय के पठार को, मेघालय के पठार को क्या करती है, जोड़े रखती है। ठीक है, तो ये कहा जाता है इसी वजह से कि बीच में कचारी भूमि क्या है, वो भी प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो ये मेघालय का पठार, बीच में कचारी का पठार, या जो कचारी जो भूमि है वो, और फिर इसके बाद छोटा नागपुर का पठार, फिर इसके बाद में छत्तीसगढ़ का पठार, फिर इसके बाद में बुंदेलखंड का पठार, इसके बाद में नीचे बघेलखंड का पठार, और इसे मिलाते हुए मालवा का पठार। तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, कचारी उच्च भूमि और मेघालय का पठार। बात समझ आ गई, अभी ये सारा एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कि कैसे एकदम से इसको ऐड करना है, हमने इसको ऐड करके बता दिया है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी समझ में आ गया भाई, कैसे कैसे, चलो अभी भी कंफ्यूज हो, आ गया ना, कोई बात नहीं, चलो ये देख लो, तो ये यहाँ पे हम लोग थे कार्बी एंगलोंग के नाम से, यह एक क्या है, भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से क्या है, अलग हो गया है। ठीक है, क्या है, एक छोटा नागपुर पठार, फिर कचारी और इसके बाद मेघालय, तो क्या है, भ्रंश से अलग हो गया है, पश्चिम से पूर्व, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन सी हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पे हैं, कार्बी एंगलोंग अर्थात मेघालय के पठार पे, देखो वहां पे मैप में, देखो मैप में, देखो अपने मैप में, देखो ये देखो गारो, खासी, जयंतिया, ये सब कहाँ पे, मेघालय के पठार पे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मेघालय के पठार पे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके चलो, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं।
पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, अर्थात लगभग एक सीधी रेखा में समानांतर स्थित है। कौन सा? पश्चिमी घाट किसके? पश्चिमी तट के, और वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ठीक है, एकदम लगातार हैं। ठीक है, तो उनको क्या, केवल दर्रों का जो है एक तरह से दर्रे, बीच में कुछ पास रहता है ना, पास मतलब जाने के लिए, पास मतलब पास कर दो इसको जाने के लिए। ठीक है, ऐसे तो दर्रे मतलब क्या होता है, ऐसी चौड़ी घाटियां, इधर घाटी इधर घाटी, और ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। पास यहां से क्या है, निकल सकते हैं, इसी वजह से पास दिया गया। ठीक है, पास तो हमको क्या, यहां से पास मिल गया तो यहां से दर्रा मिल गया, हम लोग क्या आसानी से यहां से निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहो पहाड़ी से पहाड़ी चढ़ के निकलें तो क्या है, वो भी इसी बात नहीं कर पाओगे। तो क्या है, तमाम सारे यहाँ पे क्या है, दर्रे हैं, और ऐसे जो है दर्रे वो कैसे हैं, काफी अच्छे हैं, मतलब वहां से हम पार कर सकते हैं। तो दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं, और पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के कैसे हैं, समानांतर हैं, और अगर समानांतर नहीं होते तो हमें दर्रों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो क्या है, समानांतर एकदम से एक तरह से पैरेलल रूप में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम उनको पार करना आसान नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, पास से जाते हैं, पास बीच, इधर पहाड़ी बीच से निकल गए एकदम से। ठीक है, पासेस से निकलते रहते हैं, और वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट, इसको कैसे याद करते हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप, तो इसमें क्या क्या याद कर लोगे, थाल घाट मतलब ठाकुर, ठीक है, दूसरा भोर घाट मतलब बी भानु, और पी मतलब प्रताप। तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह कहाँ पे आते हैं, सूर्यवंशम में, ठाकुर भानु प्रताप, ऐसे का याद कर सकते हैं ना। तो ऐसे देखे कैसे, तो भारत के मानचित्र में जैसे देखेंगे तो थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट ऐसे चलते हैं, तो इधर रहेगा क्या, ये थाल घाट, इधर क्या रहेगा, भोर घाट, और इधर क्या रहेगा, ये पाल घाट। ठीक है, और नीचे सेनकोट्टा भी रहता है इसके, सेनकोट्टा, ये सब क्या है, दर्रे हैं। तो ये थाल घाट, इधर भोर घाट, ये पाल घाट, और ये क्या है, सेनकोट्टा। तो नाम पूरा क्या दे दिया गया, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, पूरा नाम आ गया ना, ऐसे याद करने का तरीका। तो ये तो थाल घाट है, इधर ये मिलेगा मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या हुआ, याद दिक्कत हो रही, याद करने का तरीका समझ लो। ठीक है, ठाकुर, तो ये आप लोग क्या करेंगे, एक बार मैप में, हालांकि मैंने बता दिया है, बिल्कुल ऐसे ही सीरियल में रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सीरियल में रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, थाल घाट, भोर घाट, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कैसा है, पश्चिमी घाट जो है ये पूर्वी घाट के कैसा है, अपेक्षा ऊंचा है, और पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक का, और पूर्वी घाट का जो विस्तार है ये कैसा है, सतत नहीं है। ठीक है, आप आसानी से उसको पार कर सकते हैं, लेकिन जब पश्चिमी घाट की बात करें तो कैसा है, सतत है, पूरी तरह से समानांतर है, तो हम क्या दर्रों से केवल पार कर सकते हैं। ये कैसा है, अनियमित है, नियमित नहीं है, लेकिन उधर हम देख रहे थे कैसा है, सतत भी था और समानांतर भी था। ठीक है, कौन सा, पश्चिमी घाट, लेकिन पूर्वी घाट कैसा है, वो असतत है अर्थात, और दूसरा क्या है, अनियमित है, एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है काफी, और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, और ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव की वजह से ऊपर उठने वाले के कारण होती है। ठीक है, तो जैसे ही पश्चिमी घाट, हमने बताया था ना, क्या करेगा, एक पहाड़ी है ऐसे, और जैसे ही हवाएं आई तो ये क्या, पश्चिमी घाट कैसा, काफी ऊंचा है, जैसे हम बता दें यहाँ पे, ये पश्चिमी घाट कैसा है, काफी ऊंचा है, तो जैसे ही हवाएं आती हैं इससे टकराती हैं, और हवाएं क्या है, ऊपर जाके ठंडी हो जाती हैं, और पानी सारा का सारा पानी यहीं पे बौछार के रूप में, वर्षा के रूप में उड़ेल देती हैं। ठीक है, तो ऊंचाई की वजह से, ठीक है, ऊंचाई की वजह से क्या करती हैं, ये जो हवाएं एकदम से टकराती हैं, ऊपर जाती ठंडी हो जाती है, और नीचे पानी अपना उड़ेल देती हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊंचाई पर जाने तक क्या है, जो इसमें आप देखोगे ना,
अगर इसमें वाष्प बनी रहे, मॉइस्चर अगर बना रहे, तो क्या और उपाय ऊंचाई तक जा सकती है। लेकिन जैसे मान लो ठंडी हो गई वायु, वायु ठंडी हुई तो क्या है जो उसमें मॉइस्चर है उसको ऊपर ले जाने की क्षमता नहीं बचती है। ऊपर ले जाने की क्षमता नहीं बचती है, ठीक है, तो भी इसी बात क्या करेगी, वहीं उड़ेल लेती है। तो यहाँ पे बारिश बढ़िया होती है कहाँ पे, पश्चिमी घाट में, और इसी वजह से देखना यहाँ पे बहुत घने सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बड़ी पैमाने पर मिलती है। यहाँ पे तमाम सारी जो जो खोज की जाती है ना वो यहीं पे की जाती है, यहाँ पे की जाती है या इधर कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया में, क्योंकि इधर बारिश बहुत अच्छी होती है। और जब बारिश हमेशा होती रहती है तो क्या है सदाबहार वन हमेशा के लिए घने भने एकदम बढ़िया से रहते, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे पश्चिमी घाट में और पूर्वी उत्तर पूर्वी की पहाड़ियों में वहाँ मिलते हैं, ठीक है। और तमाम सारी वन्य जीव, तमाम सारे मेंढक, तमाम तरह की मछलियाँ जो है यहाँ पे मिलती हैं अलग अलग तरह के, जैव विविधता से पूरा भरा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी खतरनाक एकदम से, बहुत बढ़िया, ठीक है, बात समझ आ गई। चलो तो ये सब कैसा है, ये आद्रवा टकरा कर क्या है यहाँ पे ऊपर नहीं उठ पाती, ऊपर उठने के कारण जो है यहाँ पे काफी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है इसको, देखो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है बढ़ती जाती, ध्यान रखना यहाँ पे कैसा है, उत्तर की बात करें तो ये कैसी कम ऊंचाई है, लेकिन जैसे ही हम साउथ में आएंगे, जैसे हम साउथ में आएंगे तो इसकी ऊंचाई यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी ऊंचाई, यहाँ पे क्या है ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है कहाँ पे नॉर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूरब में कम, सॉरी उत्तर में कम और दक्षिण में ज्यादा, और इस भाग के जो शिखर है वो ऊंचे हैं, जैसे कि अनाईमुदी तथा दोदाबेटा, ठीक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, मयनगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में क्या है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, पूर्वी घाट का दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहां पे ये दक्षिण पश्चिम यहां पे ये वाला, ठीक है। यहां पे क्या है सेवराय है, जवादी की पहाड़ियां हैं, ये तमाम सारी पहाड़ी यहां पे कहां पे पश्चिमी घाट के दक्षिण पश्चिम में कौन कौन सी है, सेवराय तथा जवादी पहाड़ियां। ये उडग मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है ये भी यहाँ पे स्थित है। कुडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र से ज्ञात करना है, अभी हम लोग कल मानचित्र से ज्ञात करेंगे। प्रायद्वीपी पठार की एक विशेषता यहाँ पाए जाने वाली काली मृदा है, काली मृदा को हम लोग क्या बोले थे, ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोल रहे थे हम लोग, ठीक है, जिसे दक्कन ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है, या हम लोग क्या बोलते हैं काली कपासी मृदा अर्थात ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोलते हैं, या इसको रेगुर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेगुर भी इसको बोलते हैं, ओके। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, हमने कई बार बताया हुआ है इसको कि ज्वालामुखी से बेसाल्टिक है एकदम से, और इसलिए इसके सेल कैसे हैं आग्नेय है, इग्नियस सेल है, कैसी है इग्नियस सेल है यहाँ पे, तो रॉक कैसी है इग्नियस रहेगी आग्नेय रहेगी। वास्तव में इन सेलों का के समय के साथ अपरदन हुआ है, अर्थात आप देखेंगे इसमें क्या है अपरदन हुआ है, कुछ कटाव भी हुआ है इसमें, ठीक है, और जिससे क्या है काली मृदा का निर्माण हुआ, ठीक है। और अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपी पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर है, कहाँ पे है पश्चिम और उत्तर पश्चिम, यहीं पे है ना राजस्थान में, और ये बहुत अधिक अपर्दित तथा खंडित पहाड़ियां हैं, काफी एकदम कटी फटी एकदम से, ठीक है। रेत ने क्या इसका बुरा हाल कर रखा हुआ, रेत ने बहुत ज्यादा इसको काट दिया है, और ये जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक कहाँ पे दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई। तो हम लोग कल इसके बारे में मैप से बात करेंगे, कल जो है इसके बारे में कल क्या क्या बात करने वाले मैप में बात करेंगे, जो आपको दिखाया गया सारे कुछ क्या है मैप में रहेगा आपके, ओके, टेक केयर, बाय बाय।